नमस्कार, जिला दर्शन के एक नए इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें, हमारा ऐप है एडुकेन ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप ऐप के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज परचेस कर सकते हैं बाय UPI। और साथ ही साथ हम लोग जो है हर मंथ के फर्स्ट संडे को फ्री टेस्ट सीरीज कराते हैं, तो टेस्ट सीरीज आप जरूर दिलाइएगा। साथ ही साथ हम पैड टेस्ट सीरीज भी कराते हैं, तो एडुकेन ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस्तर संभाग का ये आखिरी जिला है कांकेर जिला, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दुर्ग संभाग के जिलों के बारे में। तो कांकेर जिला के बारे में स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटिकल जियोग्राफी से। जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि बस्तर जिले का जब गठन किया गया था तो उस समय हमारे पास सिर्फ एक ही जिला मुख्यालय था, जगदलपुर। और ये जिला मुख्यालय के थ्रू पूरे बस्तर संभाग को कवर किया जाता था। सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते थे वे वर्कलोड जो है अकेला जगदलपुर जिला मुख्यालय के पास ही रहता था। तो गवर्नमेंट ने वर्कलोड कम करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड कम करने के लिए दो नए जिलों का निर्माण किया। उसमें थे एक था कांकेर और दूसरा था दंतेवाड़ा। तो आज हम कांकेर जिला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसका 1998 में कांकेर जिले का गठन किया गया और साथ ही साथ उस समय किया गया था दंतेवाड़ा का। और 2003 में तीन जिलों का नाम चेंज किया गया, जिसमें से कांकेर, दंतेवाड़ा और एक आपका कवर्धा कबीरधाम। तो कांकेर का नाम भौगोलिक दृष्टिकोण से भी आप देखें तो बस्तर जिले के उत्तर में पड़ता है कांकेर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा उत्तर बस्तर कांकेर। नाम परिवर्तन कब किया गया था, तो 2003 आपको ध्यान में रखना है। 2003 में तीन जिलों का नाम, दक्षिण में पड़ता है दंतेवाड़ा, तो इसे दक्षिण बस्तर कहा गया था। नेक्स्ट हम देखें, जिला मुख्यालय कांकेर को दिया गया है। अब क्योंकि ये बस्तर जिले से अलग होकर के बना है इसलिए इसका मातृत्व जिला बस्तर। सीमावर्ती जिला देखें तो कोंडागांव, नारायणपुर, धमतरी, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बालोद। राज्य, सीमावर्ती राज्य तो सिर्फ एक ही राज्य है, वो है महाराष्ट्र। तहसील देखें तो नरहरपुर, चरामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदल और पखांजूर। जितने तहसील है साथ उतने ही यहाँ पे आपको विकास खंड भी मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद में एक कांकेर विधानसभा क्षेत्र, बार बार बोल रहा हूँ, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको, इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है। विधानसभा क्षेत्र आपका भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, कांकेर। यहाँ पे कोई लोकसभा सीट है क्या, तो बिल्कुल है, एक लोकसभा सीट है कांकेर में। जनजाति, बस्तर संभाग ऑलरेडी ट्राइब्स एरिया है बहुत ही ज़्यादा, तो कांकेर जिला में कौन से ट्राइब्स ज़्यादा पाया जाता है, तो हलबा और गोंड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिकल जियोग्राफी के ऊपर। फिजिकल जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे खनिज, साथ ही साथ यहाँ पे रिवर और पहाड़ के बारे में। तो जो जियोलॉजिकल सेल समूह हैं, जिसके भूगर्भिक जो चट्टाने जो हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं। मैं बताया था आपको कि जिस क्षेत्र पे धारवाड़ क्रम की चट्टाने पाया जाएगा वहाँ पे धात्विक खनिज जैसे लोहा, कोरंडम, एल्यूमिनियम, ये सब मिनरल्स आपको वहाँ पे मिलेगा। तो धारवाड़ क्रम का चट्टान पाया जाता है कांकेर में, कांकेर में ही नहीं पूरे बस्तर संभाग में पाया जाता है। तो अब कांकेर जिले में किन किन जगहों पर कौन कौन सा ऐसा मिनरल्स मिलता है धात्विक खनिज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आयरन, आयरन कहाँ, तो रावघाट और भानुप्रतापपुर। आप सभी जानते हैं एक फेमस स्टील प्लांट है हमारे छत्तीसगढ़ में, भिलाई स्टील प्लांट, BSP जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो वर्तमान समय में भिलाई स्टील प्लांट को जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है आयरन का, वो इसी रावघाट से किया जा रहा है, कांकेर के रावघाट क्षेत्र से BSP को, भिलाई स्टील प्लांट को रॉ मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है। और कहाँ कहाँ पे लोहा पाया जाता है, तो भानुप्रतापपुर। बॉक्साइट देखें तो केसकाल के पहाड़ी क्षेत्र, अंतागढ़, तांदुल, कुमका और कुसुम। गोल्ड, गोल्ड रेयर है छत्तीसगढ़ में, किन्हीं किन्हीं जगहों पे ही गोल्ड पाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। आपको बस्तर संभाग के कांकेर जिले में सोनदेई और मिचगांव, या इसी को मचगांव भी कहते हैं, यहाँ पे गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं रिवर, नदी, कोटरी नदी, ये
आपका अंबागढ़ चौकी जो अभी नवीनतम जिला बना है, यहां से एक नदी निकलती है कोटरी नदी, जो इंद्रावती नदी से मिलती है। इसका प्राचीन समय में नाम है परलकोट। पुराने समय में प्राचीन नाम पूछा जाता है नदियों का, इंद्रावती का हो चाहे महानदी का हो, तो प्राचीन नाम अक्सर ध्यान में रखना। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट। उद्गम कहाँ है तो मोहला। इसका टोटल लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। इसमें एक योजना चलाया जा रहा है। अब चूंकि इसका प्राचीन नाम परलकोट था तो उस योजना का नाम भी रखा गया है परलकोट योजना। तो भूलना नहीं आपको परलकोट योजना किस नदी पे है, तो परलकोट नदी कह सकते हो या कोटरी नदी में ये परलकोट योजना चल रहा है। नेक्स्ट नदी देखते हैं, मुख्य नदी कांकेर में बहने वाली और कौन सी है, तो दूध नदी। इसका उद्गम स्थल है मलाजकुंडम पहाड़ी, मलाजकुंड पहाड़ी। और इसी मलाजकुंड पहाड़ी पे एक वाटरफॉल है। अब चूंकि वाटरफॉल उस पहाड़ी पे स्थित है इसलिए उसका नाम पड़ गया मलाकुंडम या मलाजकुंडम जलप्रपात। दूध नदी के किनारे जो शहर बसा है, हम कांकेर जिला पढ़ रहे हैं तो जो शहर है वो कांकेर शहर है जो दूध नदी के किनारे बसा है। शहर पूछा जाता है जगदलपुर शहर किस नदी के किनारे हैं, कोंडागांव शहर किस नदी के किनारे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ध्यान में रखिएगा आप कांकेर जिला या कांकेर शहर किस नदी के किनारे हैं, तो दूध नदी आपको ध्यान में रखना है। ये जो दूध नदी है ये महानदी की एक सहायक नदी है, और जिस जगह पे दूध नदी और महानदी मिलती है उस पॉइंट पे एक जलाशय है, जलाशय का नाम है दुधवा जलाशय। इसको 1963 में बनाया गया था। अब लेकिन यदि आपको ये पूछे कि दुधवा जलाशय किस नदी पर है, तो आंसर आपको दूध नदी नहीं लेना है, आपको ध्यान में रखना है महानदी। दुधवा जलाशय यदि किस नदी पे है ये पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा ये महानदी पे है, आंसर महानदी लेना है। किन दो नदियों के संगम के पास है, तो दूध नदी और महानदी, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं, और जो नदी है अन्य उसमें नैमी नदी, इसमें एक परियोजना चल रहा है मैना बांध परियोजना। मथौली नदी, खेरकेट्टा जलाशय। मथौली खेरकेट्टा जलाशय से क्वेश्चन आता है कि खेरकेट्टा जलाशय किस नदी पे है, ध्यान में रखिएगा मथौली नदी कहाँ है, तो पखांजूर में। ये खिरकट्टा जलाशय इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा कि इसका क्या रोल है। नेक्स्ट हम देखते हैं जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात। अकेला जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा चर्रे मर्रे जलप्रपात जिला कांकेर पहाड़ी। कांकेर का सबसे फेमस पहाड़ी है गड़िया पहाड़ी, जिसको गड़िया पहाड़ भी बोलते हैं। इसका ऊंचाई लगभग 606 फीट के आसपास है। इस गड़िया पहाड़ में एक राजा हुआ, नाम था उनका धर्मदेव कांड्रा। धर्मदेव कांड्रा का ये गड़िया पहाड़ राजधानी होता था, और इसी पहाड़ में इनका एक किला होता है, किला था पहले। इनकी दो बेटियां थी सोनई और रुपई। तो बचपन में सोनई रुपई, अब गड़िया पहाड़ में एक तालाब है उस तालाब का नाम है सोनई रुपई तालाब। राजा की दो बेटियां थी सोनई रुपई, सोनई रुपई खेलते खेलते उस तालाब में डूब जाते हैं, जिनके कारण इसका नाम पड़ा सोनई रुपई तालाब। तो ध्यान में रखना सोनई रुपई तालाब किस पहाड़ में है, तो गड़िया पहाड़ कांकेर जिला। राजा की दो बेटियों के नाम पे पहाड़ में तालाब है जिसे सोनई रुपई तालाब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताया आपको भी। पहाड़ पर लगभग 1000 साल पुराना शिव का मंदिर है। जहाँ शिव का मंदिर है वहाँ महाशिवरात्रि में मेला लगना कॉमन सी बात है, तो हर साल यहाँ पे महाशिवरात्रि का मेला लगता है। राजा धर्मदेव कांड्रा ने गड़िया पहाड़ को किले का रूप दिया था, ध्यान में रखिएगा। राजा धर्मदेव कांड्रा एक तो उसका राजधानी भी था गड़िया पहाड़, वहाँ पर रह रहे थे, तो एक किला भी बनवाया था वो। 700 साल पुराना किले का एक द्वार है सी द्वार, जो अभी भी मौजूद है। इस गड़िया पहाड़ पे एक गुफा है छुपने के लिए, जिसका नाम है जुड़ी पगार गुफा। जुड़ी पगार गुफा स्थित है गड़िया पहाड़ में। गड़िया पहाड़ महोत्सव मना जाता है हर साल, जैसे भी सितंबर में चल रहे, सितंबर से अक्टूबर के बीच में गड़िया पहाड़ महोत्सव मनाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। गड़िया पहाड़ महोत्सव कहाँ, तो गड़िया पहाड़ जिला कांकेर। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कांकेर जिला से रिलेटेड। तो पहला देखते हैं कांकेर में क्या खास है, तो गढ़ बासला चतरई मेला। बस्तर संभाग यदि आप पढ़ रहे हो और उनके जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेले के बारे में ध्यान में रखिएगा, मेले से क्वेश्चन अक्सर बनता है। तो
तो कांकेर जिले में गढ़वासला चित्रई मेला मार्च कौन से मंथ में मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, मार्च मंथ में। राम वन गमन पथ के अंतर्गत एक कांकेर जिले में कंक ऋषि आश्रम को टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। राम वन गमन पथ के अंतर्गत कंक ऋषि का आश्रम कहाँ है, कांकेर जिला में, और राजमहल, शिवाशिनी का मंदिर, कंकालीन देवी का मंदिर आदि सब आपको कांकेर जिला में मिल जाएगा। प्रदेश का नौवां राजकीय मेडिकल कॉलेज कांकेर जिला में बन रहा है। और नेक्स्ट हम देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है कांकेर जिला का पखांजूर। तो हुआ ये कि जब पार्टीशन हुआ था हमारे कंट्री का, तो बांग्लादेश में काफ़ी सारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगा। तो बहुत सारे हिंदू, बांग्लादेशी हिंदू, रिफ्यूजी या शरणार्थी के रूप में भारत की ओर पलायन करने लगे। तो सन 1958 में प्रोजेक्ट आप ध्यान में रखिएगा, 1958 में एक प्रोजेक्ट चलाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, दंडकारण्य प्रोजेक्ट। ठीक है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट। तो इस दंडकारण्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी शरणार्थी हैं उनको भारत के अलग अलग जगह पे बसाया गया, उसमें से हमारा एक छत्तीसगढ़ भी था। तो 1958 से लेकर 71 के बीच में जितने भी बांग्लादेशी हिंदू आए थे हमारे भारत में, उन सारे लोगों को देश के अलग अलग जगहों पर बसाया गया, जिसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का पखांजूर जगह आपको ध्यान में रखना है कि बांग्लादेशी शरणार्थी छत्तीसगढ़ में किस जगह पर बसाया गया था, तो पखांजूर। एक शरणार्थी और पढ़ेंगे हम लोग तिब्बती शरणार्थी के बारे में, लेकिन ये आपको बांग्लादेशी रिफ्यूजीज के बारे में ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक मत्स्य पालन केंद्र है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्ट नाम अक्सर पूछा जाता है, कौन सा प्रोजेक्ट, तो दंडकारण्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये सारे, देखिए ये बांग्लादेशी रिफ्यूजीज थे उस टाइम के, ये हमारे तत्कालीन उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। तो ये प्रोजेक्ट आपको ध्यान में रखना है, बांग्लादेशी शरणार्थी पखांजूर कांकेर जिला। नेक्स्ट हम देखते हैं जोगी गुफा या गाड़ा डमरू गुफा। एक गुफा है जोगी मारा गुफा, वो है सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी पे। तो ये अक्सर कंफ्यूजन रहते हैं, तो जोगी गुफा पूछेगा तो कांकेर जिला के एक स्थान है गाड़ा डमरू के पास, आंसर आपको ये लेना है। और कौन कौन से गुफाएं देखते हैं, उड़कुड़ा गुफा, मेगालिथिक के अवशेष वहाँ पे प्राप्त हैं, ऐतिहासिक स्थल है उड़कुड़ा गुफा। तहसील कौन सा है, तो चरामा। खैरखेड़ा गुफा, बलेरा नाम के प्रसिद्ध शैल आश्रय यहाँ पे स्थित है। शैल चित्र कौन कौन, शैल चित्र का स्थल गौरा गौरी, कुलगांव, कान्हा गांव, उड़खुड़ा और खैरखेड़ा, ये ऑलरेडी दो जगह पे गुफा है, गुफा में शैलाश्रय मिले हैं, तो वहीं आसपास ये शैल चित्र भी पाया गया है। नेक्स्ट हम देखें गोटी टोला। गोटी टोला बहुत कुछ टाइम पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक पेंटिंग जो मिले, ऐसा माना जाता है कि ये एलियंस के रॉक पेंटिंग है, दिखने में बिल्कुल एलियंस के जैसे लगते हैं, इसीलिए इसको एलियंस 10,000 साल पहले एलियन के साक्ष्य मौजूद अगर छत्तीसगढ़ में कहीं है, अकेला प्लेस है चरामा तहसील का ये गोटी टोला। और देखिए मुड़पार में प्राचीन दुर्लभ प्रतिमाएं, औद्योगिक क्षेत्र तो लखनपुरी। एक मिनट, कांकेर जिला में औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी, भानु प्रतापपुर, हर्बल होम गार्डन और वन विद्यालय, साथ ही साथ भानु प्रतापपुर एक चीज की और तांदुला नदी। तांदुला नदी का उद्गम स्थल है भानु प्रतापपुर, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट, हनी प्रोसेसिंग सेंटर भानु प्रतापपुर। प्रोसेसिंग यूनिट ध्यान में रखिएगा, प्रोसेसिंग यूनिट से क्वेश्चन इस साल बनेगा ही। तो हनी प्रोसेसिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, हर्रा प्रोसेसिंग यूनिट इच्छापुर कांकेर, लाख प्रोसेसिंग केंद्र, तो
प्रसंस्करण केंद्र कांकेर में। राज्य सरकार ने 2020 में लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया था, तो गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि इसके लाख का प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा सके, क्योंकि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ लाख प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लाख की जो खेती है उसको 2020 में एग्रीकल्चर या कृषि का दर्जा दिया गया था, और लाख प्रोसेसिंग यूनिट छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगाया गया है, तो कांकेर में। मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप जानते होंगे, अगर आप हमारे करंट अफेयर का डेली करके वीडियो देखे होंगे तो हमने मिलेट के बारे में उसमें डिटेल बताया है। यूएन के द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर आप मिलेट घोषित किया गया है, तो कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। तो मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट पूरे देश का और छत्तीसगढ़ का पहला, कांकेर जिले के नाथियानावा गांव में मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाया गया है। क्योंकि अब ये 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आप, तो ध्यान में रखिएगा, पहला यूनिट कांकेर का नाथियानावा गांव। साथ ही साथ कांकेर में एक और है पर्यटन विश्राम गृह या टूरिज्म रेस्ट हाउस कांकेर में। नेक्स्ट देखते हैं हम, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने लोग हैं उनका फाइनेंशियली इनकम बढ़ा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना चलाया है जिसमें रूपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो गांव में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल पार्क इस्टेब्लिश करते हैं इस रीपा के साथ। तो इसमें से कांकेर जिले के कुलगांव में छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ उस कुलगांव को गांधी ग्राम का भी नाम दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको कांकेर से रिलेटेड ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट पर्लकोट विद्रोह 1825 गैंद सिंह। पर्लकोट विद्रोह होता यह था कि अंग्रेजों के समय, और जब ये बस्तर संभाग में मराठा शासन लागू हुआ था, उस समय लगान टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगाया था और बहुत ही ज़्यादा आदिवासियों का शोषण होता था। 1 किलो काजू के बदले 1 पैकेट नमक, तो बहुत ही ज़्यादा शोषण होने के कारण गैंद सिंह जी ने विद्रोह किया। उस विद्रोह का नाम दिया गया पर्लकोट विद्रोह। उस समय को जो तत्कालीन शासक था, काकतीवंशी शासक महिपाल लोग, ये राजा का नाम आपको नहीं भूलना है, क्योंकि जब भी कोई विरोध होता है बस्तर संभाग में, उस समय का जो राजा होता है उनका नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो पर्लकोट विद्रोह किस शासक के समय हुआ था, तो आपको महिपाल देव ध्यान में रखना है। नेतृत्व करता था गैंद सिंह। अबूझमाड़ी, इनका पर्पस था अबूझमाड़ियों को शोषण से मुक्त कराने के लिए। विद्रोह हुआ तो प्रत्येक विद्रोह का, हम जैसे बस्तर संभाग में जितने भी विद्रोह पढ़ते हैं, हर एक विद्रोह का एक सिंबल होता था, एक प्रतीक होता था। पर्लकोट विद्रोह का भी एक प्रतीक था, धावड़ा वृक्ष की टहनी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए उस समय छत्तीसगढ़ सूबे का ब्रिटिश अधीक्षक था एगेन्यू। इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था पेबे। तो पर्लकोट विद्रोह को एगेन्यू ने जो भेजे थे, उस पेबे पेबे नाम के व्यक्ति को, उन्होंने इस विद्रोह का दमन किया। और 12 जनवरी 1825 को गैंद सिंह जी को पकड़ा गया और 20 जनवरी 1825 को इन्हें फांसी दी गई थी। तो और जब इन्हें फांसी दिया गया तो इनका नाम तब से लेकर अभी तक बस्तर के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता। साथ ही साथ ये, क्योंकि ये जमींदार थे गैंद सिंह जी, तो इनको एक पद दिया गया था, उस पद का नाम है भूमिया। भूमिया पद ध्यान में रखना है आपको, बस्तर का इन्हें प्रथम शहीद भी कहा जाता है गैंद सिंह जी को। दो तीन चीजें और देख लेते हैं। एक खेरकेट्टा जलाशय के बारे में जैसे मैं बोल रहा था, तो जब काफ़ी सारे रिफ्यूजीज को दंडकारण्य प्रोजेक्ट के अंतर्गत जब बसाया जा रहा था भारत में, तो जब उनको पखांजीर में बसाया गया, तो उनके सुविधा के लिए
जिस जलाशय का निर्माण किया गया था वो था खरकट्टा जलाशय। खरकट्टा जलाशय बांग्लादेशी रिफ्यूजिस के लिए इस जलाशय का निर्माण किया था, क्योंकि कांकेर जिला ऑलरेडी और जो बस्तर संभाग है बहुत दुर्गम क्षेत्र है, उस टाइम में नल कनेक्शन या हैंडपम्प ऐसा पॉसिबल तो था नहीं, तो इसीलिए इस जलाशय का निर्माण किया गया था खरकट्टा जलाशय का, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में रखना है आपको। और एक चीज, लिंगोपेन का मेला लगता है यहाँ पे कांकेर जिले पे, लिंगोपेन मेला, सेमर गांव में लिंगोपेन मेला लगता है। इतने आपको ध्यान में रखना है। हमने कोशिश किया है बस्तर संभाग में एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको ऐड करने का। आप हमारे जिला दर्शन की इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। बस्तर संभाग आज खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे वीडियो वो दुर्ग संभाग के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।